क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव हैं। महेश जी, जिस तरीके से देव दीपावली का पर्व बनारस में है, क्या तैयारियां चल रही हैं? देव दीपावली पर लाखों लोग तो बाहर से आते हैं और वाराणसी का, काशी का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस अद्भुत आयोजन को देखना चाहता है, उसका दीदार करना चाहता है। घाटों पर सजे हुए, दीपों से सजे हुए घाटों का दीदार करके लोग उल्लासित होते हैं, हर्षित होते हैं, मन प्रफुल्लित होता है। आज काशी का जो गरिमा बढ़ा है, काशी का जो उद्भव हो रहा है, काशी का जो विकास हो रहा है, बाबा के धाम को 13 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था, आज बाबा के धाम की सुगंध केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी जा रही है। आज विदेशों से लाखों लोग भी आते हैं, देश के लाखों लोग बाबा के दरबार में प्रतिदिन हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये थे महेश चंद्र श्रीवास्तव, काशी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि असंख्य दीप जलेंगे और लगभग 1 करोड़ के माला फूल जो देश विदेश से मंगाए गए हैं, उससे काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर, जो भव्य मंदिर है, उसको भव्यता का स्वरूप दिया जाएगा और असंख्य दीप जो है बनारस में जो है साक्षी बनेंगे, विश्व के बनारस का अपना अलग स्थान होगा। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने वाले विश्व विख्यात देव दीपावली का पर्व इस साल चंद्रग्रहण के चलते एक दिन पूर्व यानी कि सोमवार 7 नवंबर को ही मनाया जाएगा। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर इस साल हर साल की तरह 7 नवंबर को भव्य देव दीपावली उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें घाटों पर लाखों की संख्या में दीप जलेंगे और इस देव दीपावली के उत्सव में अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस बार देव दीपावली पर विशेष तैयारियां कर रहे हैं। एक श्रद्धालु द्वारा पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने भी विशेष साफ सफाई और घाट एरिया की साफ सफाई करा ली है ताकि श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था देखने को मिले। पूरे घाट एरिया में लाइटिंग करा रहे हैं और पूरा चूँकि दशाश्वमेध से लेकर के और दूसरी तरफ जाने के लिए पूरा घाट एरिया को जोड़ा गया है, तो कुल मिला के एक बढ़िया नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेगा देव दीपावली को। काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाली देव दीपावली हर वर्ष की भांति इस बार भी भव्य रूप से मनाई जाएगी। ये बता दें आपको कि चूंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, इसलिए 7 नवंबर को यानी कि सोमवार को काशी में भव्य देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है और उसके लिए जो स्थानीय जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश भी घोषित किया है कि सभी लोग इस देव दीपावली का आनंद लें, उसकी भव्यतम जो छटा है उसको निहारें। साथ ही बता दें आपको कि बनारस के जो 84 घाट हैं वो 10 लाख दीपों से जगमगाएंगे। यही नहीं, गंगा उस पार रेती में भी लाखों जो दीपक है वो जगमगाएंगे और अपनी अलग छटा बिखेरेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो नदी है, गंगा नदी के तट पर हूँ, दशाश्वमेध घाट पर हूँ। यहाँ पे आपको घाट पे तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और हर तरफ केवल सैलानी, दर्शनार्थी, श्रद्धालु यहाँ पे दिखेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद पहली बार देव दीपावली मनाई जा रही है। समझ सकते हैं आप कि 80 लाख रुपए की जो माला फूल देश के विभिन्न प्रांतों से मंगाए गए हैं उसको भी, उससे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्यतम रूप दिया जाएगा, सजाया और संवारा जाएगा। उसके साथ ही कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, लेजर लाइट शो भी होगा। तो कुल मिला के बता दें कि आपको 7 नवंबर को जब देव दीपावली का पर्व बनारस में मनाया जाएगा, उस दिन लगेगा कि साक्षात देवता देवलोक से उतर आए हैं और काशी उसका साक्षी बनेगा और विश्व क्षितिज पे बनारस अपनी अलग पहचान बनाएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।